घर पहुंचा अरुण जेटली का पार्थिव शरीर। राष्ट्रपति कोविंद, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कल दिल्ली के निगम बोध घाट में होगा अंतिम संस्कार। यूएई में ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित हुए पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बाद बहरीन पहुंचे पीएम, एनएसए अजीत डोभाल भी है मौजूद। खाड़ी देशों में रुपए कार्ड अपनाने वाला पहला देश बना यूएई, पीएम मोदी ने किया लॉन्च। राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से भेजा गया वापस। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हुआ था जोरदार हंगामा। एयरपोर्ट पर मीडिया से हुई थी बदसलूकी, पत्रकारों से धक्का मुक्की की शिकायत। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, ऐसे मौके पर विपक्षी दलों के नेताओं का यहां आना और राजनीति करना ठीक नहीं। कश्मीर मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद में बोलना चाहिए था। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना, हाई अलर्ट पर नौसेना। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के राज्य में घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद समूचे तमिलनाडु में बढ़ी सुरक्षा। बिहार पुलिस को मिली अनंत सिंह की दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड। कल दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था सरेंडर। अरुण जेटली के निधन से शोक में टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी टीम इंडिया। डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे थे जेटली। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। चीन की यू फेई को हराया। कल होगा फाइनल मुकाबला। जेटली के निधन पर बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर लिखा, एक महान नेता खोया। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में दिखा श्रद्धालुओं का हुजूम। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।